हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में स्ट्रॉबेरी की क्रीम बनानी सिखाऊंगी। ये स्ट्रॉबेरी की क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट बना देती है। इस क्रीम के अंदर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा गोरा बनाते हैं और उसके साथ साथ उसको एक पिंक ग्लो भी देते हैं। और ये क्रीम इतनी बेनिफिशियल है कि आपके चेहरे पर से डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, पिंपल्स और सन टैन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 100% नेचुरल और इफेक्टिव स्ट्रॉबेरी की क्रीम कैसे बनाई जाए। तो स्ट्रॉबेरी की क्रीम को बनाने के लिए आपको 2 से 3 स्ट्रॉबेरी चाहिए। फिर हम इन सभी स्ट्रॉबेरी को ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि इनका एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और इनको अच्छे से ग्रेट करने के बाद आपका ये स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इस स्ट्रॉबेरी के पेस्ट के अंदर 1 चम्मच गुलाब जल डालेंगे और इन दोनों को मिक्स करेंगे। और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि ये पेस्ट थोड़ा थिन हो जाए, यानी कि थोड़ा पतला हो जाए, क्योंकि अब हमें इस पेस्ट को छानना है। और छानने के लिए मैं एक छन्नी की मदद ले रही हूँ, बट आप इस पेस्ट को कॉटन के कपड़े से भी छान सकते हैं। और इस पेस्ट को अच्छे से छानने के बाद आपका ये स्मूथ और फाइन स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रेडी है। तो चलिए अब इस पेस्ट से हम गोरे होने की क्रीम बनाते हैं। और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच ये स्ट्रॉबेरी का जूस ले लीजिए। फिर हम इसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरिन डालेंगे। ग्लिसरिन डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल डालेंगे। और अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई की 3 से 4 कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। और अब आपको लास्ट में 2 से 3 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। और एलोवेरा जेल डालने के बाद आप सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ और लम फ्री पेस्ट बने। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी स्ट्रॉबेरी की क्रीम रेडी है। ये क्रीम आपको गोरा होने में और आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा थिक, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये क्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ, फ्लफी और क्रीमी होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से लगाकर इसको 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।